मेरा मानना है कि इस तरह की टिप्पणी सर्वथा अनुचित है, अशोभनीय भी है। ये उनकी निजी राय हो सकती है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने सदन के पटल पर कहा था, एक ब्राइट युवा, आप उसको जात में मत मानिए। जात में बांध करके हम सुशांत जी के कंट्रीब्यूशन को या उनके कद को छोटा करते हैं। एक ब्राइट युवा की दुखद मृत्यु हुई है, उसकी पड़ताल चल रही है। हम सब चाहते हैं परत दर परत सामने आए, तो इसलिए जातिगत दृष्टिकोण से कि ये वो होते तो ऐसा ना होता, ना ना, ये उचित नहीं है। और पार्टी इसको उनका उनकी बिल्कुल निजी राय मानती है और उससे आगे कुछ नहीं। लेकिन सर, आपके पार्टी नेता के बयान में क्या आ रहे हैं कि वो युवाओं को ये कहना चाह रहे हैं कि इतना हतोत्साहित होकर जान देने की जरूरत नहीं है, आप फिर उठकर दोबारा लड़ाई लड़ सकते हैं? देखिए, मेरा सीधे तौर पे एक मानना है, मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कहूँ, मैं लगातार धन्यवाद आपके वायर सर्विस का, मैं प्रथम दिन से ये कहता रहा कि कोई भी आत्महत्या निजी कारणों से नहीं होती है। आप ये नहीं कह सकते कि व्यक्ति असफल हो गया, नहीं, सामाजिक सांस्कृतिक आसपास के कारक होते हैं, चाहे रोहित पेमूला हो या सुशांत जी। मैं समझता हूँ कि हम सबको इंतजार करना चाहिए, और आत्महत्या को लेकर के जितनी सोशल थियरीज भी हैं, दर्खिम से लेकर के कार्ल मार्क्स तक, वो भी परिवेश के कारकों का बहुत महत्व देती हैं। हमें इस चीज को उनके उनकी मौत का, दुखद मौत का आदर करना चाहिए और अनुसंधान की परिणति का इंतजार करना चाहिए। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,